मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि छत जो होता है, हम लोग का जो घर बनता है उसका छत कंक्रीट से बनता है, उसमें छोटे छोटे पत्थर लगते हैं। और वो पत्थर कहाँ से आता है आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और आज मैं कुछ काम से जा रहा हूँ तो उस खदान जहाँ से वो पत्थर निकलता है, जो पत्थर टुकड़ा निकलता है छोटा छोटा, जैसे कि हमारा घर बनता है और रोड भी बनता है, तो वो खदान में जा रहा हूँ, मुझे काम है। तो मैं इस वीडियो को देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है वो खदान और कहाँ से वो पत्थर आता है। और वीडियो के साथ बने रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल में कोशिश करता हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ों को आपको दिखला सकूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। बच लेते हैं, थोड़ी देर बच लेते हैं, लगता है हमें यहाँ पर बचना पड़ेगा। और हम लोग को थोड़ा दूर जाना है यहाँ से, यहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर जाना है हमें यहाँ से। और बारिश काफ़ी हो रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज सैटरडे है इसलिए यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है। ये सतरंजी मार्केट है और यहाँ पर बहुत भीड़ होता है। और यहाँ पर सभी तरह की सब्जी, चिकन मटन वगैरह सभी मिल जाता है यहाँ पर। और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये रांची और खूंटी के बीच में ये बाज़ार मिलता है। सैटरडे और वेडनेसडे को ये बाज़ार लगता है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। दोस्तों, ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, घास भी कितना ग्रीन लग रहा है, पेड़ पौधे भी कितना ग्रीन लग रहे हैं। और बरसात के मौसम में तो नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है इधर, क्योंकि ग्रीनरी बढ़ जाता है, हरियाली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश की जो बारिश का जो फुहार है उसके चलते बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम आए तो हैं कुछ काम से, लेकिन यहाँ पर ग्रीनरी इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, व्यू इतना अच्छा दिखाई दे रहा है कि बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। और ये वो जगह है, क्रशर है, क्रशर जहाँ हम लोगों को अपना जो मटेरियल है, जो रोड बनाने के लिए जो पत्थर का टुकड़ा होता है वो लेना है। दोस्तों, हम लोग को जो मटेरियल चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है, तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे में पत्थर को तोड़ करके बनाया जाता है, छोटा छोटा चिप्स और बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा, जिससे रोड बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है, घर का ढलाई होता है। दोस्तों, हम लोग दूसरे वाले खदान में गए और हमें जो मटेरियल चाहिए था वो हमें मिल गया। और यही वो मटेरियल जिसे हम लेकर के जाएंगे ट्रक में लोड करके। काफ़ी बारिश हो रही है, मेरे पीछे क्रशर मशीन है। आज छुट्टी के दिन है, काम नहीं हो रहा है। यहाँ छोटा छोटा टुकड़ा यहीं से उठा के ले जाते हैं और घर बनता है, रोड बनता है इससे। हम लोग दो लोग आए हैं, देखिए हम लोग इसको ले जाएंगे अपने रोड बनाने के लिए। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है पत्थर को 2-3 प्रोसेस में तोड़ा जाता है। पहले इस मशीन से उसको टुकड़ा किया जाता है पत्थर को,
उसके बाद फिर क्रशर मशीन में डाल करके पत्थर को छोटा छोटा टुकड़ा किया जाता है और उनसे डस्ट भी निकलता है, चिप्स भी निकलता है, जिससे रोड्स बिल्डिंग्स बनते हैं। और इस तरह का खाई हो जाता है जो जहाँ की पानी भर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खाई है और इसमें पानी भरा हुआ है। अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन डेंजरस है, बहुत गहरा होगा दोस्तों। ये खाई बहुत गहरा है और वीडियो में पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको चक्कर भी आ सकता है, इतना गहरा है, बहुत भयानक है दोस्तों। आज मैंने आप लोगों को दिखाया खदान जो होता है, जहाँ से पत्थर निकलता है वहीं से चिप्स बनता है, जो हमारा घर जो बनता है, रोड बनता है, उसके जो पत्थर निकलता है कंक्रीट के लिए, वो इन्हीं खदानों से निकलता है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।